परसा प्रखंड क्षेत्र के मारर स्थित श्री राम क्रीड़ा मैदान में आयोजित मिलन सहज जन समारोह में जन संवाद कार्यक्रम में चिराग पासवान गरजते नजर आए। बिहार सरकार और नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि शराबबंदी से सत्ताधारी दल व उनके नेताओं की चांदी हो गई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चिराग पासवान ने कहा कि राज्य में शराबबंदी विफल है। शराबबंदी से पहले जो पैसा बिहार सरकार का रेवेन्यू था, वह शराबबंदी के बाद सत्ताधारी दल और उनके नेताओं की जेब में जा रहा है। कैसे जा रहा है यह राज्य की जनता को भी अच्छे से पता है। सत्ताधारी दल के संरक्षण में आज शराब हर जगह उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि हम जिएंगे बिहार के लोगों के लिए, मरेंगे बिहार के लिए। हमारा विजन ही बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का है, लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार को जाति, धर्म, दलित, स्वर्ण, महिला एवं पुरुष के आधार पर बांट दिया है। वोट के खातिर हमारी बिहारी की पहचान को ही समाप्त कर दिया है। बिहार का विस्तार करना, इसी उद्देश्य से हम लोग आए। बिहार के गांव-गांव, पंचायत-पंचायत जा रहे हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के बारे में लोगों को समझा रहे हैं और क्यों जरूरी है बिहार में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सरकार बनना। लोग आज की तारीख में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के अपराध के रास्ते, भ्रष्टाचार के रास्ते, जिस तरीके से लोग आज की तारीख में परेशान है, आक्रोशित है, यही कारण है कि मजबूती से एक बड़ा जन समर्थन खींचा जाता है। जिला के वरिष्ठ पदाधिकारी साथी, मौजूद आने वाले तमाम मजदूर कार्यकर्ता साथी, मौजूद तमाम वो साथी जो आज लोक शक्ति पार्टी रामविलास की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, अपने संबोधन के अंत में मैं तमाम उन साथियों तक भी नाम का जिक्र करूंगा जो आज बिहार पर जारी फर्स्ट है विश्वास करते हुए हमारे नेता पासवान जी के सिद्धांतों विचारों का विश्वास रखते हुए जो आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सदस्यता ग्रहण कर रहे, सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर मौजूद आदरणीय माताएं, बहने, बुजुर्ग, मेरे तमाम तमाम नौजवान युवा साथियों, सबसे पहले आप सबको चिराग पासवान का प्रणाम। पंचायत पंचायत गांव गांव कर मैं मेरे पार्टी के तमाम नेता हम लोग जाने का काम कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति संभवता हर एक परिवार से हम लोग मिलने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कारण है कि आप सबसे मिलकर आप सबको बिहार की मौजूदा परिस्थिति का कारण समझा, ये हम सब जानते भैया कि बिहार पिछड़ा प्रदेश है, बिहार पिछड़ा प्रदेश है, बिहार पिछड़ा प्रदेश है, पर बिहार कब तक पिछड़ा प्रदेश रहेगा भाई। भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुआ, तो क्या कारण है कि कहीं दिल्ली बंबई जैसे चमचमाते शहर बन जाते और कहीं हमारा बिहार प्रदेश आजादी के 75 साल के बाद भी पिछड़ा प्रदेश रहा। 75 साल हो गए आजादी, देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा, हमारे पास महोत्सव मनाने के लिए क्या है बताइए? ऐसी कौन सी सुख सुविधा उपलब्धि या विकास के कार्य बिहार में आ गए जिसके लिए हम लोग बिहार महोत्सव मनाए? आज भी जितने बुजुर्ग माताएं बहने यहाँ पे मौजूद है, यकीनन इनके परिवार का कोई ना कोई दूसरे प्रदेश में शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए गया हो, दूसरे प्रदेशों में हमें रोजगार मिलता है पर अपने प्रदेश में नहीं मिलता, दूसरे राज्यों में हमें शिक्षा के अवसर मिलते हैं पर अपने राज्य में नहीं मिलते। हमारे बिहार का ही एक लड़का दूसरे प्रदेश में जाकर उद्यमी बनकर उस प्रदेश के 50-100 लोगों को रोजगार देने के काबिल बन जाता है पर अपने ही प्रदेश में हमें ये अवसर नहीं मिलते, कारण क्या है? और ये परिस्थिति भैया कब तक चलती रहेगी? ये सवाल हम लोग को अपने आप से पूछना है भाई, कब तक चलेगी ये परिस्थिति? पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद किए हम लोगों ने, नेताओं राजनीतिक दलों पे विश्वास करते हुए, इस उम्मीद में, इस आशा में, इस विश्वास में कि बिहार में विकास होगा।
मेरे दादाजी ने जो सपना देखा मेरे पिता ने भी वही देखा, मैं भी उसी की लड़ाई लड़ रहा हूं। पर कब तक, ये सवाल हम लोग को अपने आप से पूछने की जरूरत है। कब तक हम लोग ऐसी सरकारों को चुनते रहेंगे जो अपने स्वार्थ की राजनीति करेंगे? कब तक चुनेंगे भाई? आज 32 साल हो गए, 32 साल से यही लोग सत्ता में है जो आज सत्ता में बैठे, यही राजद की सरकार। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय द स्टडी मटेरियल्स।